यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब आपको आज की सबसे खूबसूरत और आकर्षक तस्वीर दिखाते हैं। बाबा केदार धाम के दर से हमारे पास आई भारी बर्फबारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। दोनों ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बाबा के दर्शन किए भारी बर्फबारी के बीच। और देखिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने तो नृत्य भी किया, वो इतने मगन हो गए भक्ति में कि वो नृत्य भी करने लगे। मस्ती में भोले के जो भक्त हैं पहुंचे थे वहां पर, आज वो भी बर्फबारी में नृत्य कर रहे थे। दोनों ने विशेष पूजा अर्चना की सुबह 4 बजे गर्भगृह में बाबा केदार के। पांच तस्वीरें आज सुबह की बहुत ही आकर्षक यादों में हमेशा जीवित रहने वाले। भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 4:15 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहां पर उनका अभिनंदन कर रही है। और आज यहां का मौसम भी बहुत सुहावना है, इसलिए 1.5-2 घंटे से मैं देख रहा हूं कि भारी मात्रा में ये बर्फबारी हो रही है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात सुनी आपने। आज केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद ये उनके उद्गार थे। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात सुन लीजिए। भगवान केदारनाथ जी के समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उखी मठ उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है सफेद वस्त्र, ये बर्फ, और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधि वास में गए हैं वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है कहना चाहिए।